दोस्तों टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज की पूरे दिन की फाइनेंशियल न्यूज़। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स 261 पॉइंट लुढ़क गया, निफ्टी 88 पॉइंट, यानी आप कह सकते हैं कि आज के दिन भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि कल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो। कुछ अच्छी ऐसी न्यूज़ हैं जिससे हो सकता है कि हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे और मार्केट को भी अच्छा लगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे पहला अनाउंसमेंट जो इसराइल की तरफ से आ रही है, आज उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ देर पहले अनाउंस किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस का वैक्सीन ढूंढ लिया है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो भी इसराइल जैसी कंट्री जिसको इनोवेशन के लिए जाना जाता है इस दुनिया में, और इनोवेशन में उनका बहुत ही अहम रोल है पूरी दुनिया के लिए। तो अगर इसराइल जैसी कंट्री कुछ कह रही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और हो सकता है कि जो उन्होंने कहा है अगर वो सही है तो एक आशा की किरण और एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी सुबह होने वाली है। दूसरी जो इसी के साथ जो एक अच्छी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, गोल्डमैन एंड मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो बॉटम आउट हो रहा है, यानी कि रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। अब बॉटम आउट होने का मतलब यही होता है कि जो मार्केट है या जो इकोनॉमी है वो अब रिवाइव करने की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी ये बात कह रही हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टिव और कुछ ना कुछ एनालिसिस रहा होगा कि इनका मानना है कि इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी बॉटम आउट हो चुकी है। यानी कि ये दो पॉइंट ऐसे हैं, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो दुनिया के लिए अच्छी खबर है। खैर, अब बात करते हैं कुछ और न्यूज़। वीवर्क के जो कोफाउंडर थे उन्होंने आज ही उन्होंने सू कर दिया है सॉफ्टबैंक के ऊपर। उनका मानना है कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी $3 बिलियन की, वो पूरा नहीं कर रहे, उसकी वजह से कंपनी के हालात ठीक नहीं है। इसको लेके उन्होंने यूएस कोर्ट में इनके अगेंस्ट सू फाइल कर दिया है। इधर झारखंड गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी एक्टिविटी के साथ आगे आई है। उन्होंने एक रोड मैप दिया है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो किस तरह से कोरोना के बाद रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे और जॉब क्रिएशन करेंगे। तो आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव शुरुआत झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। इधर दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो लग रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट को सारे जो रिकवरी है हम ही लोगों से ले लेंगे। कैसे? एक तो उन्होंने अल्कोहल पे, ठीक है, अल्कोहल पे उन्होंने 70% का जो टैक्स लगाया वो जायज़ है, उसमें मुझे बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है। अल्कोहल का कंजम्पशन एक पार्टिकुलर जो लोग हैं वही करते हैं, सारे लोग नहीं करते। लेकिन उन्होंने 7.10 रुपये डीजल और 1.67 रुपये का पेट्रोल महंगा कर दिया। समझ के बाहर है, लोग ऐसे ही परेशान हैं। ठीक है, आज और आज के डेट में हम आप गाड़ी यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं तो इसकी भी महंगाई की मार हम पे पड़ेगी। खैर, इधर यूएस ने कहा है कि ट्रेजरी बिल को लेके उन्होंने भी ट्रेजरी बिल बोरो करेंगे लगभग 3 ट्रिलियन का अप्रैल से जून के लिए, यानी कि ये सबसे बड़ी बोरोइंग होगी अभी तक के लिए इस क्वार्टर में। गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो ट्रेजरी बिल लेके आ रहे हैं जहाँ पे वो $3 ट्रिलियन रेस कर पाएँ। इधर PSB जो बैंक है, लगभग 2-4% का NPA बढ़ने के आसार है, रिपोर्ट आ रही है। ये NPA बढ़ने का रीज़न सबको पता है, इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं है, RBI ने ऑलरेडी लोन पे रोक लगा रखा है। इधर सुनने में ये भी आ रहा है कि RBI हो सकता है 3 महीने का जो लोन पेमेंट पे रोक थी उसको 3 महीने और बढ़ा सकती है, ये भी बात चल रही है, बहुत जगह ये बात सुनने में आ रहा है। इधर एशियन पेंट ने अपना जो प्लांट था उसको पार्शली शुरू कर दिया है, ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, एक अच्छी खबर है। काफ़ी स्टेट इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जो लेबर चाहिए वो लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी भी अभी मार्केट में नहीं है। इधर UN का मानना है कि लगभग मोर देन 5 मिलियन से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापित होने का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए हैं, जैसे कि काफ़ी वर्कर दिल्ली से बिहार, UP, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट में जा चुके हैं। तो ये मानना कि बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ है उस हिसाब से, और हो रहा है, लेकिन फैक्ट्री भी ओपन होने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन फैक्ट्री की हालत ये है कि वर्कर नहीं मिल पा रहा है। यानी मोटा मोटी बात करें तो हालात
अच्छे नहीं है इकोनॉमिक फ्रंट पे, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी ओपन भी करते हैं तो मैन पावर चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए उस फैक्ट्री को रन करने के लिए। यहाँ पे ये मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि गवर्नमेंट ने जो माइग्रेशन था उसको बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया, क्योंकि अगर मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो उस स्टेट की इकोनॉमी पर बहुत इम्पैक्ट आएगा। कल को जब फैक्ट्री में, अगर गुड़गांव की बात करें और गाजियाबाद की बात कर, जहाँ पे बहुत से प्लांट हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, उस तरह के लोकेशन में अगर लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, हरियाणा में नहीं होगी, तो वहाँ जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं उनका ऑपरेशन कर पाना, उनको फंक्शन में लेके आना, उसी तरह बहुत अलग स्टेट है, जैसे पूना हो गया, बैंगलोर के कुछ तेलंगाना हो गया, अलग अलग स्टेट में, तो वहाँ पे मैन पावर सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो पूरे इंडस्ट्री का ब्लड है, क्योंकि वही सर्कुलेशन देता है इंडस्ट्री को। अगर मैन पावर नहीं होगी तो ये दिक्कत है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा एक्टिवली इंगेज होने की ज़रूरत थी, ताकि विस्थापित रुके, लोगों को कॉन्फिडेंस रहे, जो जहाँ पे हैं वहाँ पे रहें। और नो डाउट प्रॉब्लम तो बहुत है, खाने की प्रॉब्लम है, राशन की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट उसको टैकल करना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, आप हमें कहीं किसी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। उसके अलावा हम ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, फायर टीवी, एप्पल टीवी और एंड्रॉयड टीवी पे भी अवेलेबल, आप वहाँ भी हमें देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं हिमांशु कुमार विदा लेता हूँ, थैंक यू।